आजादी के बाद से अब तक अगर आप भारत की राजनीतिक यात्रा की समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, विचारधारा कोई भी रही हो, चुनावी मुद्दा केवल आम आदमी, उसकी समस्याओं, उसकी उम्मीदों, उसकी शिकायतों का ही रहा है। वो आम आदमी जो एक भीड़ में कहीं गुम हो जाने वाला चेहरा होता है, वो किंग मेकर तो है लेकिन किंग होने का सपना देखने की भी हिम्मत जुटा नहीं पाता। लेकिन भारत का संविधान ये हिम्मत हर नागरिक को देता है कि समाज निर्माण, देश निर्माण और नीति निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। वो बिना किसी धनबल और बाहुबल के प्रभाव के एक आम साधारण व्यक्ति के रूप में चुनाव में उतर कर जनता के समर्थन और आशीर्वाद की उम्मीद कर सके। ऐसी ही साधारण पृष्ठभूमि लेकिन असाधारण हौसला और सोच लिए एक किरदार गोंडा में नजर आ रहा है। ये हैं साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाले संजय विद्यार्थी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गौरा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। युवा संघ से जुड़े संजय विद्यार्थी ने अपनी युवा सोच और बेदाग व्यक्तित्व से गौरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक प्रभात वर्मा और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ राजनेता राम प्रताप सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। नई समाज से आने वाले संजय विद्यार्थी का शुरुआती जीवन किसी भी आम नागरिक की तरह संघर्षों के बीच बीता है। संजय के माता पिता ने अपने जीवन की कठिनाइयों का बोझ बेटे पर नहीं पड़ने दिया और ये सुनिश्चित किया कि संजय बेहतर शिक्षा हासिल करें। 36 वर्षीय संजय विद्यार्थी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा साबरपुर प्राथमिक विद्यालय से पूरी की। बबरान से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए इनके माता पिता ने इन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद भेज दिया। साकेत महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए संजय के जीवन में तब एक बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने समाज सेवा और राजनीति में उतरने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर संजय विद्यार्थी ने छात्र संघ चुनाव में भी भाग लिया और वो 2005-06 में छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने जाने में कामयाब हुए। छात्र जीवन से समाज सेवा और राजनीति से जुड़े रहने के साथ साथ संजय विद्यार्थी ने MA और LLB की डिग्री हासिल की। समाजवादी पार्टी ने संजय विद्यार्थी की मेहनत लगन को देखते हुए इन्हें युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाया और यहाँ से संजय विद्यार्थी अखिलेश यादव के करीबी बन गए। 2006 से लेकर 2012 तक इन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन में रहकर एक आम कार्यकर्ता की तरह पूरे प्रदेश में काम किया। संजय युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव के पद पर रह चुके हैं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो संजय विद्यार्थी को SC/ST आयोग का सदस्य बनाया गया, जहाँ रहकर संजय ने पिछड़े व अनुसूचित वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव मदद की। इसके अलावा संजय जिला योजना आयोग के सदस्य रहने के साथ खादी ग्रामोद्योग के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। युवा नेता संजय विद्यार्थी अब राजनीति के अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक अब समय आ गया है जब जनता युवाओं को मौका देगी और पारंपरिक राजनीति में बदलाव लाने में सहायक बनेगी। गौरा विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे संजय विद्यार्थी भले ही एक बेहद साधारण परिवार से आते हों, भले ही उनके पास धन बल की कमी हो, लेकिन उनके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। संजय विद्यार्थी के सामने गौरा विधानसभा के दो दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों नेताओं ने चुनाव आयोग को दिए गए अपने एफिडेविट में करोड़ों की संपत्ति को दर्शाया है। वहीं संजय विद्यार्थी के पूरे परिवार की संपत्ति महज कुछ लाख रुपए के करीब है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अब तक संजय विद्यार्थी का सफर कैसा रहा है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर गौरा विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे संजय विद्यार्थी को पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता का समर्थन और आशीर्वाद इस बार उन्हें ही हासिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।